तो आज मेरे किचन में बन रहा है झटपट बनने वाली तंदूरी रोटी और नान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने मैदा लिया हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा छान लूँगी। एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा गर्म दूध लिया है, उसमें मैं थोड़ी सी चीनी और नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार, और साथ ही इसमें डाल दूँगी एक चम्मच सूजी, और ये मैंने एक बड़ा चम्मच लगभग तेल भी इसमें डाल दिया है। और अभी मैदे में दो बड़े चम्मच दही डालकर इसको अच्छे से मिला लूँगी। और ये गरम दूध वाला जो मिक्सचर था उसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको गूंद लूँगी नरम होने तक। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डालना थोड़ा सा भूल गई थी, तो अभी मैं उसको डाल दे रही हूँ। इस मैदे को मैं अच्छे से सॉफ्ट होने तक गूंद लूंगी। अभी मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां बना रही हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख दूंगी। हमारा डो रेस्ट कर रहा है, तब तक पनीर की सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पनीर लिया हुआ है, को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ, सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने दो टमाटर लिए हुए हैं, टमाटर अभी बहुत महंगे हैं तो थोड़ा कम लगाना पड़ रहा है। साथ ही मैंने लिया है एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा। और यहाँ पे मैंने लिए हैं तीन प्याज, इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी।
ग्रेवी बनाने के लिए तेल गर्म हो गया है तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तेज़पत्ता डाला है और साथ में मैं डाल दूँगी कटे हुए प्याज। प्याज थोड़ा सा भुन गया है तो अभी मैं डाल रही हूँ उसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और साथ में इसमें डाल दूँगी मिक्स मसाला। ये वाली पनीर की रेसिपी एकदम सिंपल है, जो घर में मसाले होते हैं बस उसे बने हुए हैं। मसाले को एक दो सेकंड भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने टमाटर का प्यूरी तैयार किया था उसको, और अब सभी मसालों को अच्छे से भून लूँगी। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है स्वाद के हिसाब से नमक। मसाले अच्छे से भून गए हैं तो अभी मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ग्रेवी में अच्छा सा टेस्ट आए इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ चिकन मसाला। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है तो अभी मैं इसमें पनीर को डाल दूंगी। पनीर में क्रीमी टेक्सचर आने के लिए अभी मैं यहाँ पे दूध यूज कर रही हूँ। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा बटर भी डाला हुआ है। फाइनली ये रही मेरी पनीर की रेसिपी। फटाफट से तंदूरी रोटी बना लेते हैं तवे पे। मैं यहाँ पे प्लेन तंदूरी रोटी बना रही हूँ बिना घी या बटर वाले। मैदे को गोल बेलने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक वाला पानी डाल रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि रोटी तवे पे अच्छे से चिपक जाता है। और इसको हाथों से थोड़ा सा टैप कर लूँगी। और मैंने इसको डाल दिया है तवे पे। मेरी पहली वाली नान तवे से बाहर आ गई थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब तवे पे तेल का कुछ अंश रह जाता है तो रोटी बाहर आ जाता है निकल के, तो कोई बात नहीं, इसको चूल्हे पे ही ना डायरेक्ट सेक लूँगी। दूसरी वाली नान बनाने से पहले मैंने तवे पे थोड़ा सा नमक वाला पानी डाल दिया है, अब ये बाहर नहीं निकलेगा। अब रोटी को इसमें चिपका दूँगी अच्छे से। इसके बबल्स बनने लगे हैं तो इसको नीचे करके सेक लूंगी उल्टा करके। और ये देखिए ये अच्छे से सिक चुका है। अगर थोड़ा सा डार्क पसंद है तो इसको और सेक सकते हैं।
गरम गरम नान और पनीर खाने के लिए प्लेटिंग हो रही है यहाँ पे।